इट्स योर कांची, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज का जो ये व्लॉग होने वाला है, दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी माय फेवरेट वन। मतलब इसलिए बिकॉज टुडे इज जन्माष्टमी एंड ये मेरा जो भी व्लॉग है वो फास्ट से रिलेटेड है कि मैंने कैसे फास्ट रखा एंड मैंने क्या क्या थ्रू आउट द डे किया। तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा एंड मैंने नोटिस किया है दैट यू ऑल आर वेरी इंटरेस्टेड इन व्लॉग्स। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ऐसे नॉर्मल बना देते हैं। मैं कहीं ऐसे बाहर नहीं गई या फिर जाके बहुत ही ज़्यादा भव्य टाइप का मैंने कुछ नहीं किया था। जिस घर में सिंपल थिंग्स से सिंपल चीज़ों से मैंने किया था, भगवान मंदिर साफ़ किया था, भगवान जी को सजाया था एंड हम लोग ने उनकी पूरी पूजा की थी एंड पूरा एक 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 थ्रू आउट मैंने पूरा सब कुछ शो किया हुआ है। एंड एज मेरी वॉइस से आप लोग को पता चल गया होगा दैट आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू शो यू ऑल की थ्रू आउट द डे मैं क्या कर रही हूँ। इतने अच्छे से ये व्लॉग मे भी आप लोगों को नहीं लगा होगा कि शूट हुआ है बिकॉज लाइटिंग का इशू था, लाइट्स चली गई थी एंड बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मतलब लेजिट इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, हम लोग तो पक्का यही कह रहे थे कि यस कृष्ण भगवान आने ही वाले हैं। सो दैट्स वाई एंड सुबह से लेकर रात तक बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। सो दैट्स वाई कभी कभी लाइटिंग का इशू हो गया था या फिर मेरा फेस क्लियर नहीं आया था या फेस थोड़ा डार्क आ रहा था। सो प्लीज डोंट थिंक अबाउट दैट टू मच, मेरी फीलिंग्स को समझिएगा एंड आज के स्पेशल डे को समझिएगा। सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट माई वीडियो, दिस इज़ नॉट गोना बी अ टू लॉन्ग व्लॉग कि बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो पूरा व्लॉग को जरूर देखिएगा अगर आपको कहीं पर भी पसंद आता है एंड इफ़ यू लाइक जन्माष्टमी सो प्लीज डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच व्लॉग्स एंड एंटरटेनमेंट वीडियोज। लेट्स गो। सो करेंटली आई एम हैविंग माई मॉर्निंग टी, मैंने पानी पी चुका है बिकॉज हम लोग जब फास्ट रहते हैं तो मैं काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ें चाय के साथ लेते हैं बट मुझको इतना पसंद नहीं कि जब आप फास्ट रह रहे हो तो वही कर लिया करो, इतना ज़्यादा खाने की क्या ज़रूरत है। सो भी मैंने जस्ट गुड़ के साथ पानी लिया था जैगरी के साथ, जिसको नहीं समझ आया हो ऑफकोर्स आई थिंक सबको ही समझ आ गया होगा गुड़ के साथ। एंड नाउ आई एम हैविंग माई टी। इसके बाद मैं अपने बालों में ऑयलिंग करूँगी अच्छे से बिकॉज आई हैव टू वॉश माई हेयर्स एंड उसके बाद मैं अच्छे से रेडी होने वाली हूँ एंड ऑफकोर्स कुछ खाने वाली हूँ नहाने के बाद, बिकॉज नहाने के बाद मुझसे भूख कंट्रोल ही नहीं होती है। लेट्स गो। सो आई एम डन आफ्टर टेकिंग अ बाथ, यू कैन सी मैंने अपने हेयर्स को वॉश कर लिया है, मैंने ऑयलिंग भी कर लिया था एंड मैं इतनी देर बाद आप लोग को वीडियोस इसलिए दिखा रही थी बिकॉज मैंने जब शूट किया था उस अराउंड 8 or 9 हो रहे थे इन द मॉर्निंग एंड अभी शायद 12 or 12:30 होने हैं एंड इतनी देर में मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट आई वॉज स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम एंड डूइंग नथिंग बिकॉज मेरे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए एंड इंस्टाग्राम से मैंने फूड पेज को तो मैंने एकदम नज़र ही हटा ली थी, मुझसे रुका ही नहीं जाना था। सो लेट्स डू सम स्किन केयर देन हम लोग जाएंगे मंदिर, थोड़ी सी पूजा वूजा कर लें, भगवान कहेंगे क्या खाना ही है क्या तुमको दिन भर। स्किन केयर इज माई फेवरेट। मैं स्किन केयर से इतना ज़्यादा मुझको पसंद है ना कि मैं मेकअप से ज़्यादा स्किन केयर करती हूँ, नाइट स्किन केयर, मॉर्निंग स्किन केयर एंड उसके बीच में भी अगर कुछ होता तो मैं डेफिनेटली वो भी कर लेती। सो बता देती हूँ, वैसे ये मेकअप वीडियो है नहीं बट आई एम यूजिंग बेला वीटा ऑर्गेनिक सी ग्लो ऑयल फ्री क्रीम एंड ये जेल है, इसका मैं रिव्यू वीडियो अलग से बना दूंगी सो इट विल बी ईजियर फॉर यू ऑल टू सी। एंड अभी मेरे बाल थोड़े गीले हैं, थोड़े क्या पूरे गीले हैं, तो ऐसे ही हम लोग जाके पूजा कर लेंगे उसके बाद हम लोग आके खुलेंगे एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू शो यू ऑल कि खाने में क्या क्या है, मीन्स खाने में नहीं मीन फरहारी में क्या क्या है। मैंने आप लोग को मतलब इसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोग को क्लिप्स दिखा दूंगी कि क्या क्या बना है, जो भी मैं दिखाने वाली हूँ वो मैंने नहीं बनाए हैं, कृपा करके ऐसा ज्यूम ना करें कि मैं बनाती हूँ, मैं सिखाती हूँ। सो जो ड्रेस अभी मैंने फिलहाल पहनी हुई है वो कहाँ से ली है, मैंने कितने के लिए वगैरह वगैरह, इसका रिव्यू वीडियो नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा। ये ऑनलाइन ड्रेस है एंड आई लव दिस, अगर आप लोग को इसका रिव्यू वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत बकवास हो गई, नाउ लेट्स गो टू द मेन वर्क पूजा। सो एज़ यू कैन सी मैं पूजा कर रही हूँ, मैंने डिटेल्ड पूजा कर ली थी बस आप लोग को शो करने के लिए मैंने ऐसे किया है, बट एट नाइट जब हम लोग बहुत ही अच्छे से पूजा करने वाले एकदम डिटेल में सो वो ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। नाउ लेट्स कम टू द वेरी फेवरेट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, सो यहाँ मैं दिखाने वाली हूँ कि खाने में क्या क्या है। सो यहाँ मखाना था, रोस्टेड पीनट्स थे एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा आलमंड्स एंड कैश्यू। यहाँ पे क्या मेरे घर पे मुझको क्या मिला था खाने में मैं वो दिखा रही हूँ एंड आलू है आप देख सकते हैं, मैं इसमें फूड वीडियो नहीं है सो मैंने बहुत डिटेल में नहीं दिखाया कि मैंने क्या क्या किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आलू बन रहा है एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था एंड आई होप कि आप लोग को इसकी रेसिपी नहीं चाहिए होगी एंड अगर चाहिए होगी तो डू लेट मी कमेंट सेक्शन, बट नहीं चाहिए होगी आई थिंक सबको ही आता होगा इसके बनाना एंड इसमें से कुछ भी मैंने नहीं बनाया है। एंड ये जो है
है वो है आलू का हलवा। एंड आई पर्सनली डोंट लाइक इट दैट मच, बट मेरे घर में पापा को काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये। यू हैव सीन इन द फर्स्ट क्लिप कि मैंने पूजा अपनी कंप्लीट कर ली है एंड छोटू सा टीका मैंने लगा चुका है। मैंने पूजा कर चुकी थी, बस वो रिकॉर्ड, बिकॉज पूजा करते वक्त मैं रिकॉर्ड करने में इतना कम्फर्टेबल नहीं थी, तो मैंने बस हल्का सा आप लोग को दिखाया है। उसके बाद मैंने अपनी पूजा पूरी कम्प्लीट कर ली थी एंड नाउ वी आर गोइंग टू ईट। खाने में है हम लोग के पास आलू है यहाँ पे, जिसमें टमाटर भी है, मिक्स टमाटर भी, आप कुछ भी बोल सकते हो। एंड आपको यहाँ पे मखाना है मेरा एंड यहाँ पे थोड़ा सा पीनट्स है एंड यहाँ आलू का हलवा है जो कि पर्सनली मेरा इतना फेवरेट नहीं है, सो मैंने बहुत थोड़ा सा लिया, आप देख सकते हो वीडियो में, बट ये काफ़ी अच्छा रहता है। एंड अगर आपको इसको अच्छा और बहुत ही अच्छा बनाना है तो प्लीज़ इसमें शुगर फ्री डालिए, चीनी मत डालिएगा। एंड सही में मुझको बहुत तेज़ भूख लग रही है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि हम लोग अब कृष्ण जी को नहला रहे हैं एंड उनको सजाने की तैयारी कर रहे हैं। यू कैन सी गाइज, हम लोग ने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है एंड दिस इज़ नॉट फॉर द वीडियो ओनली, हम लोग हर साल ऐसे करते हैं एंड इससे ज़्यादा अच्छे से करते हैं। अभी तो कुछ सामान नहीं मिल पाया हम लोग को बिकॉज बारिश बहुत तेज़ हो रही थी एंड कोई जा नहीं पाया बाहर। हम लोग जाके ही भी सजाते हैं बट उसके लिए सामान भी चाहिए था एंड वही नहीं आ पाया। मुझको वो काफ़ी ख़राब लगा कि हर साल करते हैं बट इस टाइम नहीं हो पाया, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट टू मींस डेकोरेट द होल मंदिर एंड काफ़ी अच्छे से जितना हो सका था हम लोग ने किया है। आई होप कि आप लोग को भी अच्छा लगने वाला है। सो अब इनको जहाँ बैठाना है उसको सजाते हैं। सो एज़ यू कैन सी, अभी हम लोग इनके बाल अच्छे से लगा रहे हैं एंड इसके ऊपर हम लोग ने थोड़ा सा ना आटा लगाया है बिकॉज उसको स्टिक करना था। एंड हम लोग ने इनकी पायल खरीदी है जो हम लोग ने पहले ही ले लिया था थैंकफुली, एंड हाथ के कड़े भी लिए थे। ये ड्रेस भी इनका न्यू है जो कि दादी ने ऑफकोर्स लाया था मार्केट से, हम लोग बहुत पहले ही कटरा जाके ये सब ले आए थे जन्माष्टमी के लिए। एंड आप देख सकते हो ये बहुत ही ब्यूटीफुली हम लोग ने सजाया है एंड ये उनका झूला है जो कि हम लोग हर साल सजाते हैं। ये मैं ही शूट कर रही हूँ एंड बार बार पता नहीं क्यों वो गिर जा रहा था, मुझे समझ नहीं आया। एंड ये देख सकते हो आप, ये उनकी पायल है जो कि हम, ये है उनके हाथ से सुंदर से कड़े जो कि हम लोग ने खरीदे थे एंड ये काफ़ी थोड़े से बड़े थे बट इतने नहीं बड़े थे। एंड ये उनका मुकुट है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल लगा मुझको। दो तीन तो थे बट इनके, मतलब हमारे जो कृष्ण जी थे उनके हेड पर वो लग नहीं रहा था, तो हम लोग ने छोटा छोटा करते करते ये वाला लिया है। एंड ये उनकी क्यूट सी बांसुरी है। यहाँ पे कृष्ण जी को हम लोग ने झूले पे अच्छे से सेटल कर दिया ताकि वो गिरे नहीं। एक्चुअली वो पायल की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज वो बैठ नहीं पा रहे थे, बट इट्स ऑल गुड नाउ एंड अभी वो अच्छे से सेटल हो गए हैं। सो अब देखते हैं कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरी वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। सो इट्स इवनिंग एंड हम लोग इवनिंग स्नैक खाने वाले हैं। सॉरी फॉर माई ब्लॉग, एक्चुअली मैं सो रही थी एंड अभी उठ के आया है मैंने। एंड दिस इज़ साबूदाना एंड सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी। आई लिटरली लव इट लव इट लव इट, यू कैन गिव इट अ एब्सोल्यूट ट्राई टू इट एंड ये बहुत ही यम्मी लगती है अगर आप इसको टमाटो की चटनी के साथ खाते हो, बिकॉज अगर हम लोग इसको टमाटो की चटनी बोलेंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। सो लेट्स ईट इट। मैं इसको अच्छे से खाने के बाद अब आप लोग को रात में मिलती हूँ जब मंदिर वगैरह डेकोरेट होगा तब। लंबी हुई थी बट मैंने सब क्रॉप करके आप लोग को दिखाया है एंड प्रसाद का टाइम, आप लोग भी वीडियो से आशीर्वाद ले लीजिए ताकि आप जो भी करना चाहें सब कंप्लीट हो जाए। एंड प्रसाद में आप देख सकते हो फ्रूट्स थे एंड सिंघाड़े के आटे की पंजीरी थी। थैंक यू सो मच लॉर्ड कृष्ण फॉर गिविंग मी दिस डे। बिना कृष्ण जी को झूला झुलाए तो ये वीडियो एंड नहीं हो सकती है एंड लास्ट का पार्ट भी आप देख लीजिएगा अच्छे से। आई होप दिस वीडियो मींस आपको अच्छी लगी होगी बहुत ज़्यादा। आई डोंट थिंक इसमें बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत है, इट्स जस्ट अबाउट योर आस्था कि आप कृष्ण जी में जितना मानते हो एंड कितना नहीं मानते हो। सो बाय द वे आई ट्रस्ट कृष्ण जी एंड एवरी गॉड इन दिस वर्ल्ड। थैंक यू सो मच।
दिस इज द एंड ऑफ आवर जन्माष्टमी व्लॉग. यस गाइज, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू. मैंने बहुत ज़्यादा नहीं खाया बिकॉज लोग कमेंट्स में फिर कहने लगते हैं दैट यू आर ईटिंग ऑल डे, फास्ट कहाँ रखा है आपने, सो दैट्स वाई. बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अभी नया नया मैंने फास्ट रखना स्टार्ट किया एंड मैं जस्ट आप लोग को ब्लॉग दिखा रही हूँ. नो, मुझको 5 से 6 साल हो गया इस व्रत को रखते रखते, बिकॉज उससे पहले तो मैं 5th या 4th में थी, अभी मैं 10th में हूँ. तो दैट्स वाई मुझको जैसे जैसे समझ आया मैंने रखना स्टार्ट कर दिया था. एंड दिस इज़ द ओनली डे, जन्माष्टमी ही एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें मैं व्रत रखती हूँ. मैंने और कभी किसी चीज़ में व्रत नहीं रखा, सो आई रियली लाइक दिस डे. थैंक यू सो मच कृष्ण भगवान फॉर गिविंग मी दिस डे. आई एम टॉकिंग विथ यू ऑल एंड कनेक्टिंग विथ यू ऑल. आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ. तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. नहीं भी पसंद आती है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मुझको क्या इम्प्रूव करना चाहिए. वैसे बहुत ही कुछ है जो मुझको इम्प्रूव करना चाहिए, आई नो, बट प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विथ मी. एंड यस, मैं और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड चीज़ें लाने वाली हूँ चैनल पे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल. बाय बाय, वी विल डेफिनेटली मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो.